हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कंप्यूटर बहुत सारे भागों से मिलकर बना होता है, इसलिए सभी कंप्यूटर के कंपोनेंट सेम होते हैं। आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। कंप्यूटर के तीन इम्पोर्टेंट बेसिक कंपोनेंट माने जाते हैं, जो कि हैं इनपुट यूनिट, सीपीयू और आउटपुट यूनिट। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, यूजर इनपुट यूनिट के द्वारा डाटा इंटर करवाता है, डाटा सीपीयू में प्रोसेस होता है और डाटा मेमोरी में स्टोर होता है, और आउटपुट यूनिट के द्वारा यूजर को डाटा या फिर आउटपुट या रिजल्ट शो होता है। चलिए इसको और डिटेल से जानते हैं। फर्स्ट है इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट कंप्यूटर का वह हार्डवेयर होता है जिसके द्वारा यूजर डेटा इंटर करवाता है। इनपुट यूनिट यूजर और कंप्यूटर को कनेक्ट करने का कार्य करती है, और इनपुट यूनिट यूजर लैंग्वेज को कंप्यूटर लैंग्वेज में चेंज करके डेटा को सीपीयू तक ट्रांसफर करती है। इनपुट डिवाइसेस होते हैं जैसे कि माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, बारकोड रीडर, स्कैनर आदि इनपुट डिवाइसेस हैं जिसके द्वारा यूजर अपना डेटा कंप्यूटर में इंटर करवाता है। नेक्स्ट है सीपीयू। सीपीयू को कंप्यूटर का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट माना जाता है, क्योंकि सीपीयू के बिना कंप्यूटर की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सीपीयू कंप्यूटर में हो रहे एक्सटर्नल और इंटरनल सभी ऑपरेशंस को परफॉर्म और कंट्रोल करता है, हर इंस्ट्रक्शन को डिकोड और एग्जीक्यूट करता है। सीपीयू में अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म होते हैं, इसलिए इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। इसके भी तीन कंपोनेंट माने जाते हैं, ALU, CU और मेमोरी यूनिट। ALU जिसका पूरा नाम होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। इस यूनिट में अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशन जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, पावर्स आदि ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। लॉजिकल ऑपरेशन में जैसे कि कंपेयर करना, सिलेक्ट करना, मैच करना आदि ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सभी हो रहे कार्यों पर कंट्रोल रखती है। यह मेमोरी यूनिट में स्टोर डेटा इंस्ट्रक्शन को रीड करती है, और ALU को उस इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन के अनुसार ऑपरेशन परफॉर्म करने का आदेश देती है। यह यूनिट कंप्यूटर में हो रहे डेटा ट्रांसफर, जैसे मेमोरी यूनिट से डेटा सीपीयू तक ले जाना, सीपीयू से डेटा मेमोरी तक ले जाना और मेमोरी से डेटा आउटपुट तक ले जाना, ये सभी कार्य कंट्रोल यूनिट के द्वारा ही होते हैं। नेक्स्ट है प्राइमरी यूनिट। कंप्यूटर में डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी का यूज प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू को भेजने से पहले डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। जब प्राइमरी मेमोरी में डेटा आता है, उसे प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू तक भेजा जाता है। जब डेटा प्रोसेस्ड हो जाता है, तब रिजल्ट को सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर किया जाता है। जब रिजल्ट स्टोर हो जाता है, तो उसे आउटपुट डिवाइस द्वारा डिस्प्ले किया जाता है। आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट कंप्यूटर का वह हार्डवेयर होता है जिसके द्वारा यूजर को आउटपुट या रिजल्ट मिलता है। आउटपुट यूनिट ही कंप्यूटर को यूजर से कनेक्ट करता है, कंप्यूटर लैंग्वेज को यूजर लैंग्वेज में कन्वर्ट करके यूजर को आउटपुट या रिजल्ट शो कराता है। आउटपुट डिवाइसेस जैसे कि प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर आदि होती हैं जिसके द्वारा यूजर को आउटपुट मिलता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। वीडियो से रिलेटेड कोई भी सुझाव या सवाल हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस जरूर करें। थैंक यू।